गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईटी पीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, टुडेज माय टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रल मिसलेनियस एक्सरसाइज। बच्चों, चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैंने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स रिलीज किया था। ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो लेक्चर्स हैं मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने लास्ट में मैंने रिलीज किए थे। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 टू लास्ट तक यानी एंड तक इसका वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 25 में डेफिनेट स्टार्ट हुआ और इंटीग्रेशन गिवन है पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बच्चों, सम एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पर प्लस गिवन है, वो एरर है, प्लस नहीं माइनस होगा। कुछ एनसीईआरटी बुक्स ऐसी पीडीएफ हैं ऑनलाइन पर जिस पर यहाँ माइनस की जगह पे प्लस गिवन है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला ब्रेक करना है और यहाँ पे साइन का। तो ये कितना बनेगा, पाई बाई 2 पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और हियर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। बच्चों, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स और इसको सेपरेट में करेंगे तो 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, और इसको सेपरेट करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। बच्चे देखिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल आएगा पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से पाई और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस कॉट अपॉन साइन कॉट एक्स बाई 2। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो इसे रिवर्स करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, रिवर्स करके, क्योंकि 7.6 के लास्ट फॉर्मूले एक्सरसाइज का ये कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला था ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो बच्चों, यहाँ पर इसे रिवर्स करना होगा, लेफ्ट टू राइट पे चेंज करना होगा इसे। तो देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू एफ एक्स है, ठीक है, माइनस कॉट एक्स बाई 2 और ये वैल्यू एफ डैश एक्स हो गई, ठीक है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करें तो जाएगा वो कॉट एक्स बाई 2 का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का द्वारा करेंगे रीडिफ्रेंशिएट 1 बाई 2। तो बच्चों, डायरेक्टली हम फॉर्मूले से देखेंगे कि आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता था, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी देन ई की पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कॉट एक्स बाई 2। तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 लिमिट कितनी है यहाँ पे, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई लिमिट गिवेन है। तो बच्चों, यहाँ पर टोटल आंसर कितना बनने वाला है, इस पर आ जाएगा, पहले अपर लिमिट लेंगे माइनस पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर पाई कॉट पाई बाई 2, ठीक है, माइनस ई की पावर पाई बाई 2 और फिर हो जाएगा कॉट पाई बाई 4, ठीक है। अब कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों 0, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला, तो 0 हो गया, माइनस ई की पावर पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 4 1, तो माइनस माइनस प्लस आंसर इज ई की पावर पाई बाई 2 आ गया। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी थी
ये आइडेंटिटी 7.6 एक्सरसाइज में थी, और 7.6 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला था वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है यहाँ पर, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ये 7.6 में लास्ट एक्सरसाइज में गिवन था 7.6 के एंड पे, और तो इसका आंसर था e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, और डेफिनेट है इसलिए c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 26 है उस पर गिवेन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई, क्वेश्चन नंबर जो 26 है उस पर गिवेन है 0 से पाई बाई फोर साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डी एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन आरडी में भी है, प्रीवियस ईयर्स में भी है, बट अगर यहाँ पर x लगा होता, साथ में मल्टीप्लाई होता x, कुछ क्वेश्चंस हैं आरडी में वहाँ पर गिवेन है 0 से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन पावर 4x कॉस की पावर 4x, अगर यहाँ पर अगर x गिवेन होता बच्चों तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देते। क्या अप्लाई कर देते? प्रॉपर्टी 4। और बच्चों बहुत से बच्चे समझते हैं क्या ये प्रॉपर्टी 4 से हो सकता है, तो बच्चों जस्ट आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पाई बाई 4 है, साइन कॉस में ट्रांसफ़र नहीं होगा और कॉस साइन पे ट्रांसफ़र नहीं होगा पाई बाई 4 की वजह से। अगर यहाँ पाई बाई 2 होता तो और यहाँ पर x भी होता तभी हो पाता ये पॉसिबल कि यहाँ प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं, बट अभी यहाँ प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं हो सकती। बच्चों फिर एक रूल और कॉन्सेप्ट है कि कॉस और साइन का होमोजीनियस हो, यानी होमोजीनियस फॉर्म हो साइन और कॉस की डिनोमेटर में, तो अगर 2 डिग्री पे होता तो हम 2 डिग्री से डिवाइड करते हैं यानी कॉस स्क्वायर एक्स से, 3 डिग्री पे होता तो हम 3 डिग्री से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 4 है तो हम डिवाइडेड बाई कॉस 4x से कर देंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन के पार्ट को हम लिखने वाले हैं कि डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 4x, तो 0 से पाई बाई 4, बच्चों यहाँ पे डिवाइड करें कॉस की पावर 4x है तो साइन एक कैंसिल हो जाएगा 3 बचेंगे, तो साइन x अपॉन कॉस x टेन एक्स लिखा जाएगा और देन sec स्क्वायर x बन जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करने से टेन की पावर 4x बनेगा प्लस 1 बन जाएगा। अब हम इसमें बच्चों इसे लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 4 टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसे टी लेट कर लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स को, टेन स्क्वायर एक्स को टी लेट करें, टेन स्क्वायर एक्स को टी, तो 2 टेन एक्स, टेन एक्स का रीडिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए टेन एक्स sec स्क्वायर डी एक्स कैंसिल हो गया, टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स, ठीक है 1/2 आ जाएगा, लिमिट भी चेंज करनी है तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, लिमिट चेंज करनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0, ठीक है, फिर देन एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, देन टी की वैल्यू टेन पाई बाई 4 1। अब ये क्वेश्चन पे बन जाएगा 0 to 1, और ये वैल्यू जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगी, और ये टोटल बन गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आंसर इज बच्चों 1/2 टेन इनवर्स टी, और लिमिट हो गई 0 to 1, 1/2 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, ये वैल्यू पाई बाई 4 बन गई, तो 1/2 पाई बाई 4, आंसर इज पाई बाई 8। क्लियर, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 है, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ट्वेंटी सेवन में क्वेश्चन है बेटा, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों इसमें भी प्रॉपर्टी फोर फेल हो गई। कैसे फेल होती है और क्यों पता चल जाता हमें कि कैसे प्रॉपर्टी फोर फेल है? देखिए यहाँ पर पाई बाई टू तो गिवेन है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज होएगा, बट साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये जो फोर है वो फंक्शन को चेंज कर रहा है। अभी हमारे पास यहाँ पर कॉस है, प्रॉपर्टी फोर लगाएंगे तो साइन आएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या है ना आपस में चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी फोर फेल होने का रीजन है कि ये फंक्शन साइन में चेंज हो जाएगा और ये फंक्शन कॉस में, तो ये फंक्शन चेंज हो रहा है और जब फंक्शन चेंज हो रहा है तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन प्रॉपर्टी फोर से ना हो करके सिंपल मेथड से हमें इसे सिंपलीफाई करना होगा। जीरो से पाई बाई टू इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसे साइन को कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू बचेगी फोर माइनस फोर थ्री, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ माइनस थ्री है, मल्टीप्लाई पे माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बच्चों। देखिए इस टाइप से जीरो से पाई बाई टू माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस थ्री का डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस वन बाई थ्री, फोर प्लस कर देते हैं और फोर माइनस कर देते हैं और टू पार्ट में इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, आई इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री जीरो से पाई बाई टू फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों ये माइनस फोर माइनस वन बाई थ्री, माइनस माइनस प्लस, फोर बाई थ्री जीरो से पाई बाई टू फोर डी एक्स अपॉन फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस वन बाई थ्री डी एक्स का एक्स जीरो से पाई बाई टू प्लस फोर बाई थ्री जीरो से पाई बाई टू। और बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, इसमें ये फॉर्म बनेगी, डिनोमिनेटर टेन फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर सेक फॉर्म पे होना चाहिए, टेन को टिलेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ फॉर्म अप्लाई हो रही है कि आप आरडी में ये रूल है और मैंने आपको 7.4 के एक्स्ट्रा आरडी लेवल के एक लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे पूरे को, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फोर कॉस से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को टेन पे लिख लेते हैं, तो माइनस वन बाई थ्री पाई बाई टू माइनस जीरो प्लस फोर बाई थ्री जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को फोर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो बच्चों ये टोटल बनेगा माइनस का पाई बाई सिक्स प्लस फोर बाई थ्री जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फोर फोर माइनस थ्री यानी वन प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फोर माइनस थ्री। बच्चों टेन को टी लेट कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस पाई बाई सिक्स प्लस फोर बाई थ्री, जीरो पे जीरो आएगी, पाई बाई टू पे इन्फिनिटी आएगी, डी टी अपॉन वन प्लस फोर टी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 7.4 अप्लाई होगी कि कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर शुड बी वन देन फोर कॉमन, तो यहाँ पर फोर कॉमन ले लेंगे पहले। देखिए इसे हम यहाँ पर कर देते हैं माइनस का पाई बाई सिक्स प्लस फोर बाई थ्री इंटू वन बाई फोर कॉमन जीरो टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, माइनस पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 3, और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो 1 अपॉन ए यानी 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, टेन इनवर्स टी और अपॉन 1/2, लिमिट कितनी 0 टू इन्फिनिटी, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 प्लस 2/3, और यहाँ पर जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पाई बाई 2, 0 पुट करेंगे तो 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, तो बच्चों ये बचेगा पाई बाई 3, ठीक है, सॉरी पाई बाई 6 बचेगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है और ये माइनस 30 है, तो कितना बचेगा प्लस का 30, ठीक है, आंसर क्लियर हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, और उस 28 क्वेश्चन पे गिवेन है बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 28 पे गिवेन है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट साइन 2x, क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट में है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx, ठीक है बच्चों, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, dx है, और बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाला है एंटी डेरिवेटिव की फॉर्म से, किससे होगा, एंटी डेरिवेटिव फॉर्म क्या होती है बच्चों, देखिए एंटी डेरिवेटिव फॉर्म से हम किस कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने 7.2 में पढ़ाया था ये टॉपिक, फिर मैंने आरडी लेवल के क्वेश्चंस में मैंने ये रूल बताए थे कि अगर यहाँ पर प्लस है तो एंटी डेरिवेटिव माइनस पे टी लेट करते हैं, बच्चों यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस होता देन प्लस, तो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू को टी लेट करने वाले हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, इधर डी एक्स और इक्वल टू डी टी, अब बच्चों इसका स्क्वायर भी करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x, राइट, ये इधर ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र कर लिया, साइन 2x की वैल्यू आ गई, अब लिमिट चेंज करनी है, क्या करनी है, लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज करने के लिए हम लोग के पास है बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू टी, पहले x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, ये वैल्यू हो गई 1/2, और ये वैल्यू हो गई √3/2, यानी ये t की वैल्यू आ गई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, और x की वैल्यू है यहाँ पर पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री, √3/2 माइनस 1/2 यानी t, वैल्यू चेंज हो गई बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 से √3/2, और यहाँ आगा √3/2 माइनस 1/2, और बच्चों यहाँ पर ये बनेगा डी टी अपॉन, ठीक है, साइन 2x की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, बच्चों किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है, और लिमिट कितनी है, ठीक है, √3 - 1/2, और यहाँ पर है 1 - √3/2, अपर माइनस लोअर अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कितना आंसर आएगा, ये आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2, फिर देन लोअर लिमिट होगी तो साइन इनवर्स, ठीक है,
वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स और माइनस का केस में देखें फर्क क्या आ रहा है बच्चों, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है इस पर, देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लें ये सेम बन जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस साइन इनवर्स का निगेटिव, आप जानते हैं निगेटिव ओपन होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू वैल्यू ऐड हो जाएगी तो फॉर्मूला बन गया टू साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में रेशनलाइज करना ये आप खुद कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये सेम इसी मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में भी सेम एंटी डेरिवेटिव फॉर्म लगी हुई है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जीरो से पाई बाई फोर, बच्चों सेम फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट वो ज़्यादा स्कूल एग्जाम पेपर में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है 30 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। बच्चों सबसे ज़्यादा पूछा, अगर मिसलेनियस से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन पे हमें करना क्या है, 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16 साइन 2x। अभी मैंने बताया कि हमें इसे क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव से सॉल्व करना है। किससे करना है, एंटी डेरिवेटिव, यानी प्रॉपर्टी क्यों फेल हो रही है बच्चों, यहाँ पाई बाई 4 है ना कि पाई बाई 2 है, और पाई बाई 2 अगर होता तो फंक्शन पे देखते हैं डिनोमेटर का डिनोमेटर फंक्शन सेम आना चाहिए तो प्रॉपर्टी 4 लगती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 फेल हो रही है तो बच्चों एंटी डेरिवेटिव से होगा। देखिए यहाँ पे भी प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू टी। ठीक है, अब यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, डी एक्स इक्वल टू डी टी, स्क्वायरिंग भी करना है इसका तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x। अब वैल्यू यहाँ पर लिमिट भी बदलनी है, साइन x माइनस कॉस x की वैल्यू t एंड साइन x माइनस कॉस x की वैल्यू t, 0, x की वैल्यू 0, 0, 1, यानी t की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू पाई बाई 4, देन पाई बाई 4, पाई बाई 4, t की वैल्यू 0। तो अब लिमिट क्या आ गई बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से जीरो, ये वैल्यू डी टी में शिफ्ट हो गई, देखिए डी टी अपॉन 9 प्लस 16 और साइन 2x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या है यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर, टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी माइनस वन से जीरो डी टी अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर भी एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 16 कॉमन ले लेते हैं, आई इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस 1 से 0 डी टी अपॉन 5 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और आइडेंटिटी लगा देते हैं 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वाली। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो 1 बाई 16 इंटू 1 बाई 2 ए, ए की वैल्यू 5, 4 ईयर लॉग ए की वैल्यू है 5 बाई 4 प्लस टी अपॉन 5 बाई 4 माइनस टी, और लिमिट कितनी है माइनस 1 से 0। ठीक है, 4 से ये कैंसिल, 4 टाइम्स 40, ये वैल्यू बन गई 1 बाई 40, 1 बाई 40, और बेटा अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा लॉग 1
और जब माइनस वन पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस वन टी की जगह पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी माइनस वन वन बाई फोर लॉग वन बाई फोर अपॉन, माइनस वन पुट करेंगे तो नाइन बाई फोर। और बच्चों यहाँ फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, वन बाई फोर्टी लॉग वन की वैल्यू जीरो, ये वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा लॉग नाइन आ जाएगी, और वन बाई फोर्टी इसे लिख सकते हैं टू लॉग थ्री, देन आंसर वन बाई ट्वेंटी लॉग थ्री, ये आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि डेफिनेट की प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेट की प्रॉपर्टी जब लगती जब यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू होता और फंक्शन इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है उस पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 पे है, जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स, जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स 31। जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स इंटू टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने साइन टू एक्स का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, जीरो से पाई बाई टू टू साइन एक्स कॉस एक्स, और हियर टेन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, पुट साइन इनवर्स साइन एक्स को टी, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, लिमिट चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, एक्स की वैल्यू जीरो, देन टी की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, देन टी की वैल्यू वन, राइट, ये कैंसिल हुआ, जीरो टू वन हुआ, साइन एक्स को टी लेट कर लिया, साइन एक्स को टी लेट कर लिया, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनेगा टू टी टेन इनवर्स टी डी टी, राइट, टू को बाहर कर लीजिए, आईलेट लगा देते हैं, इनवर्स है यानी ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो वैल्यू बनने वाली है आई इक्वल टू टू जीरो टू वन टी टेन इनवर्स टी डी टी। बच्चों ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकेंड, आई इक्वल टू हो जाएगा टू, फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, राइट, और फिर टी टेन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई टू, और इतने का ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी हो गया, और माइनस टू से ये भी टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, और लिमिट कितनी, होल वर्क कितना, जीरो टू वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ वन प्लस कर लेते हैं और वन माइनस, यहाँ वन प्लस यहाँ पर वन माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस और वन माइनस, आई इक्वल टू हो जाएगा, इस पर लिमिट अलग कर लेते हैं, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी लिमिट है जीरो टू वन। ठीक है, जीरो टू वन माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो टू वन, वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल डी टी, माइनस माइनस प्लस, जीरो टू वन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, राइट, यहाँ वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन टेन इनवर्स वन यानी पाई बाई फोर माइनस जीरो, माइनस डी टी का टी तो वन माइनस जीरो, फिर प्लस टेन इनवर्स टी और लिमिट जीरो टू वन। बच्चों कितना आंसर आएगा, पाई बाई फोर माइनस वन प्लस हियर पाई बाई फोर, तो आंसर आया पाई बाई टू माइनस वन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, और 32 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, और 32 के बाद 33 भी है, तो 30
टू में है जीरो से पाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर 32। थर्टी टू में क्वेश्चंस दिया गया है आई इक्वल टू जीरो से पाई एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर दिया गया है एक्स के साथ में मल्टीप्लाई गिवन है एक्स टेन एक्स। ठीक है, एक्स टेन एक्स। अच्छा देखिए, अगर हमें यहाँ पर ये एक्स फंक्शन गिवेन है साथ में, ये मल्टीप्लाई है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पी फोर अप्लाई होगी, क्योंकि एक्स को कैंसिल करने के लिए हमें प्रॉपर्टी फोर यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम टू आई ऐड करेंगे तो पाई माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस पर पी फोर अप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो जीरो से पाई, यहाँ पर पाई माइनस एक्स हियर टेन पाई माइनस एक्स हियर सेक पाई माइनस एक्स एंड प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें होता है बच्चों जीरो से पाई पाई माइनस एक्स टेन 180 थीटा माइनस का निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होता है। बच्चों निगेटिव न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर से कैंसिल कर दीजिए। अब इक्वेशन नंबर टू है और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों एक्स को कैंसिल करने के लिए हमने पी फोर अप्लाई करी है, तो यहाँ पर ये बनेगा टू आई इक्वल टू जीरो से पाई एक्स, ठीक है, एक्स टेन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो प्लस माइनस एक्स, और यहाँ देखिए टेन एक्स कॉमन हो गया और डिनोमेटर सेम है इसके, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, अब वैल्यू आ जाएगी टू आई इक्वल टू जीरो से पाई पाई टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए ये जीरो से पाई, जब हम इसको जीरो से पाई पे देखेंगे तो ये पाई बाई टू से गुजरेगा, क्योंकि जीरो से पाई हमें डोमेन दे रखी, जब ये पाई बाई टू से गुजरेगा तो टेन नाइन्टी क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब नॉट डिफ्रेंशिएबल। तो जब ये फंक्शन नॉट डिफ्रेंशिएबल है जीरो से पाई पर, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएबल लेके करना होगा। देखिए जीरो से पाई पर अगर हम देखें तो ये फंक्शन कहाँ से पास आउट होगा, पाई बाई टू से, और टेन नाइन्टी पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी डिसकॉन्टीन्यूअस, और जब डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो इसे हमें लिमिट को क्या करना होगा, स्प्लिट करनी होगी, क्योंकि देखिए कोई फंक्शन है किसी भी इंटरवल पे वो कॉन्टीन्यूअस हो सकता था, लेकिन ये फंक्शन जीरो से पाई तक में ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो इसकी लिमिट को हमें क्या करना पड़ेगा, कटर करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। तो इसे क्या करना होगा, हमने देखा कि यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दें, जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ। क्यों करा, क्योंकि जीरो से पाई तक का जो हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, अब हम कर रहे हैं जीरो से पाई बाई टू, एरिया शॉर्ट हो गया। देखिए इस टाइप का हो गया, इसमें एक पार्ट ये था एक पार्ट ये था, तो ये दोनों पार्ट सेम है, तो इसका हाफ कर लेते हैं इस टाइप से इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कदार किसी क्वेश्चन पे आती जरूर है, ठीक है बच्चों, इस पे आप फोकस रखिएगा, ये लिमिट जो होती है उस पे ये पूरा कंप्लीट फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए रियल। तो यहाँ पर देखा 1090 आ रहा था जिस पे ये अनडिफाइंड था, इसलिए लिमिट को यहाँ बाई टू कर देंगे, यहाँ टू कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया बच्चों टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस
टेन एक्स, और अब हम इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू बन गई आई इक्वल टू पाई जीरो से पाई बाई टू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस पाई, और बच्चों टेन स्क्वायर एक्स बनेगा जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो पता है टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो देखिए इसका आंसर बनेगा पाई सेक एक्स जीरो से पाई बाई टू माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स का आंसर बनेगा टेन एक्स, वन का बनेगा एक्स, लिमिट कितनी जीरो से पाई बाई टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखिए कितना आंसर आने वाला है, यहाँ पर करते हैं इसको बेटा आप आई इक्वल टू पाई सेक, देखिए सेक 90 भी क्या होता है फंक्शन बोलिए, नॉट डिफाइंड है ना, सेक 90 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नॉट डिफाइंड, सेक 0 पे हो गया 1, फिर माइनस पाई, फिर वहाँ पे पाई बाई 2 पे कितना होता है नॉट डिफाइंड, और 0 पे कितना होता है 0। अब देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास जब ये क्वेश्चन देखा गया तो यहाँ पर देखिए ये हो गया नॉट डिफाइंड माइनस पाई माइनस नॉट डिफाइंड, ठीक है, जीरो। अब देखिए ये प्लस का नॉट डिफाइंड और माइनस का नॉट डिफाइंड कट गया, तो आंसर क्या आएगा माइनस पाई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से फुलफिल हो रहा है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये कि जीरो से पाई था और टेन एक्स फंक्शन है, तो जीरो से पाई पर ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, क्योंकि जीरो से पाई की लिमिट पे टेन 90 पर ये क्या होगा, ग्राफ को ब्रेक करेगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो उस पे तो एक पहला कि लिमिट को हाफ करें डबल कर दें, फिर एक इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि बच्चे जब देखते हैं कि कभी किसी लिमिट को सॉल्व करने पर नॉट डिफाइंड आ गया तो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, तो बच्चों देखिए यहाँ टू टाइम्स नॉट डिफाइंड आया है, एक प्लस आया एक माइनस, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कैंसिल कर दिया गया, देखिए यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा माइनस फाइव माइनस पाई। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 32 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये थोड़े से कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग रखना है कि एनसीईआरटी में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये लिमिट को फोकस करना होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, थर्टी थ्री क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, ठीक है, डी एक्स, शायद आई थिंक यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, यस 0 to 1 to 4 है, सॉरी क्या है बच्चों 1 to 4 है, यहाँ पर 1 to 4 है, 1 to 4 मॉड एक्स माइनस वन, तो देखिए सबको सेपरेट कर लेते हैं पहले, 1 to 4 मॉड एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस 1 to 4 मॉड एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 1 to 4 मॉड एक्स माइनस थ्री डी एक्स। बच्चों सबसे पहले हम इनके नॉट डिफ्रेंशिएबल पॉइंट सर्च करेंगे जिस पे ये मॉडुलस, आपको पता है कि मॉडुलस उसी वैल्यू पे नॉट डिफ्रेंशिएबल होता है जिस पे ये सिमेट्रिक होता है, तो बच्चों ये x की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पर आएगी x की वैल्यू 2 और यहाँ पर आएगी x की वैल्यू 3, इस पर ये नॉट डिफ्रेंशिएबल है, क्या है नॉट डिफ्रेंशिएबल, इस पर ये नॉट डिफ्रेंशिएबल है, इस पर भी ये नॉट डिफ्रेंशिएबल है, यानी मॉडुलस जब मैंने पढ़ाया था कि मॉडुलस नॉट डिफ्रेंशिएबल होता है, तो बच्चों 1 पे ब्रेक करेंगे लेकिन 1 इसकी लोअर लिमिट है, 1 इसकी क्या है लोअर लिमिट, ये लिमिट मैच कर रही है, तो इसको हम यही लिखेंगे 1 to 4 लिखेंगे, सेम रहेगा ये, ठीक है, बट ये वाला ब्रेक होगा 1 से 2 होगा, 1 से 2 मॉड एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 2 से 4, ठीक है बच्चों ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है, और साथ में ये भी ब्रेक होगा 1 से 3
वन से थ्री मॉड एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस थ्री टू फोर मॉड एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, अब या तो ये वैल्यू पॉजिटिव ओपन होगी या तो वैल्यू निगेटिव। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोथ लिमिट को ऐड करके हाफ कर लीजिए, पुट कर लीजिए। इसमें क्या पुट करना है, 4 प्लस 1 बाई टू, हाफ पुट करेंगे 5 बाई टू, यानी ये पॉजिटिव ओपन होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब ये पॉजिटिव ओपन होगा इसमें हाफ पुट करिए 3 बाई टू, 3 बाई टू पुट करेंगे तो ये निगेटिव ओपन होगा, ये वाला पॉजिटिव ओपन होगा हाफ लिमिट पुट करके, ये पॉजिटिव देन ये निगेटिव ओपन होगा। देखिए 3 एंड 4, 4 बाई टू, 2 माइनस 3 निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव ओपन होगा। तो बच्चों मेरा ये अपना सिस्टम है कि अगर हमें किसी मॉडुलस को ओपन करना होता है कि पॉजिटिव ओपन होगा कि निगेटिव ओपन होगा, तो हम क्या करते हैं बोथ लिमिट को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करके पुट करते हैं एक्स पर। देखिए 4 प्लस 1 5 बाई टू, 5 बाई टू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बचने वाला है, तो पॉजिटिव जब मॉड के अंदर बचे तो इसे पॉजिटिव ओपन कर दीजिए। और जब यहाँ पर देखिए 3 बाई टू पुट करेंगे तो 3 बाई टू माइनस टू यानी निगेटिव बच रहा है, तो निगेटिव बचने पे निगेटिव ओपन करते हैं, पॉजिटिव बचने पे पॉजिटिव ओपन करते हैं। अब इनका इंटीग्रेट कर लेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आप एक को एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग लॉग एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस ऑफ वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। बच्चों ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बुक में, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट स्लीपिंग मोड में रहेगा और एक एक्टिव मोड पे रहेगा। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है स्लीपिंग मोड पे रख देते हैं एज इट इज, इसको हम स्लीपिंग मोड पे रख देते हैं, इसको स्लीपिंग मोड पे भेज देते हैं और इसको हम आईलेट से सॉल्व करते हैं, इंटू वन लगाते हैं पहले तो, ठीक है, और इसे फर्स्ट लेट करते हैं और इस वाले को सेकंड वन को, और इसको रखते हैं स्लीपिंग मोड पर। ठीक है, स्लीपिंग मोड पे रखते हैं यानी इसको बाद में देखेंगे क्या होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आईलेट का रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स वन का इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स लॉग लॉग एक्स, राइट बच्चों, और इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स और इतने का ऑफ इंटीग्रेशन, और ये स्लीपिंग मोड ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, ठीक है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आई इक्वल टू लॉग लॉग एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वन अपॉन लॉग एक्स का रीडिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। बच्चों ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा एक्स लॉग लॉग एक्स, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स की पावर माइनस वन कर लेते हैं इंटू वन डी एक्स, और फिर से इसमें आईलेट लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं बच्चों, आईलेट फर्स्ट और सेकेंड, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब नेक्स्ट टाइम पे ये कैंसिल होने वाला है, आई इक्वल टू एक्स लॉग लॉग एक्स, और यहाँ पर आईलेट लगाते हैं तो पहले फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स माइनस वन, वन का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो देखिए माइनस वन लॉग एक्स की पावर माइनस का टू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स इंटू ऑफ एक्स, ठीक है, इतने का ऑफ इंटीग्रेशन, और देखिए जो स्लीपिंग मोड है इसका पार्ट वो देखिए अब कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस देन माइनस, और देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया एक्स लॉग एक्स, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस ऑफ सी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये भी मोस्ट